भगवान श्री राम का देहांत। मिथिलापुरी में महाराज जनक के दरबार में भगवान श्री राम जी अपने छोटे भाई श्री लक्ष्मण के साथ पधारते हैं। भगवान श्री राम नवनील नीरत दूरवा के अग्रभाग के समान हरित आभायुक्त सुंदर श्याम वर्ण और श्री लक्ष्मण जी स्वराभ गौरव वर्ण हैं। दोनों इतने सुंदर हैं कि जगत की सारी शोभा और सारा सौंदर्य इनके सौंदर्य समुद्र के सामने एक जल कण भी नहीं है। किशोर अवस्था है, धनुष बाण और तरकस धारण किए हुए हैं। कमर में सुंदर दिव्य पीतांबर है, गले में मोतियों की मड़ियों की और सुंदर सुगंधित तुलसी मिश्रित पुष्पों की मालाएं हैं। विशाल और वल की भंडार सुंदर भुजाएं हैं जो रत्न जटित कड़े और बाजूबंद से सुशोभित हैं। ऊंचे और पुष्ट कंधे हैं, अति सुंदर चिबुक है, नुकीली नसका है, कानों में झूमते हुए मकराकृति स्वर्ण कुंडल हैं, सुंदर अरुणमायुक्त कपोल हैं, लाल लाल अधर हैं। उनके सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा को भी नीचा दिखाने वाले हैं। कमल के समान बहुत ही प्यारे उनके विशाल नेत्र हैं। उनकी सुंदर चितवन कामदेव के भी मन को हरने वाली है। उनकी मधुर मुस्कान चंद्रमा की किरणों का तिरस्कार करती है। तिरछी भौहें हैं, चौड़े और उन्नत ललाट पर ऊर्ध्वपुंड्र तिलक सुशोभित है। काले घुंघराले मनोहर बालों को देखकर भौरों की पंक्तियां भी लजा रहती। मस्तक पर सुंदर स्वर्ण मुकुट सुशोभित है, कंधे पर यज्ञोपवीत शोभा पा रहे मत गजराज की चाल से चल रहे हैं। इतनी सुंदरता है कि करोड़ों कामदेवों की उपमा भी उनके लिए तुच्छ है। द्वितीय रूप। महामनोहर चित्रकूट पर्वत पर वट वृक्ष के नीचे भगवान श्री राम, भगवती श्री सीता जी और श्री लक्ष्मण जी बड़ी सुंदर रीति से विराजमान हैं। नीले और पीले कमल के समान कोमल और अत्यंत तेजोमय उनके श्याम और गौर शरीर ऐसे लगते हैं मानो चित्रकूट रूपी काम सरोवर में प्रेम रूप और शोभामय कमल खिले हों। ये नक्शे सिकतक परम सुंदर, सर्वथा अनुपम और नित्य दर्शनीय हैं। भगवान राम और लक्ष्मण की कमर में मनोहर मुनि वस्त्र और सुंदर तरकस बंधे हैं। श्री सीता जी लाल वसन से और नानाविध आभूषणों से सुशोभित हैं। दोनों भाइयों के वक्ष स्थल और कंधे विशाल हैं। कंधों पर यज्ञोपवीत और बलकल वस्त्र धारण किए हुए हैं। गले में सुंदर पुष्पों की मालाएं हैं, अति सुंदर भुजाएं हैं, कर कमलों में सुंदर सुंदर धनुष बाण सुशोभित हैं। परम शांत परम प्रसन्न मनोहर मुखमंडल की शोभा ने करोड़ों काम देवों को जीत लिया है। मनोहर मधुर मुस्कान है, कानों में पुष्प कुंडल सुशोभित हैं, सुंदर अरुण कपोल हैं, विशाल कमल जैसे कमनीय और मधुर आनंद की ज्योति धारा वहाने वाले अरुण नेत्र हैं। उन्नत दलाट पर ऊर्ध्वपुंड्र तिलक हैं और सिर पर जटाओं के मुकुट बड़े मनोहर लगते हैं। प्रभु की यह वैराग्य पूर्ण मूर्ति अत्यंत सुंदर है।